सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी। सो गाइज, लगा कि बता देना चाहिए। गाइज, यहाँ पे कोई भी छोटी सी भी अपडेट आती है जीडी से रिलेटेड या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है, कि इसको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर डेट चेंज हो चुकी है या नहीं। तो SSC ने एक बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। फिलहाल ऑफिशियल तो किसको आएगा ही आएगा, लेकिन कब आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसके आने के चांसेस कब हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसे कि GD से रिलेटेड छोटी सी भी अपडेट होगी, अभी आपका फिजिकल होगा और मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ। सिर्फ इसके लिए आपको चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा पहले से ही लग जाए। यहाँ पे मैंने अभी कई सारे न्यूज़ चैनल्स ओपन किए, कई सारे न्यूज़ चैनल वेबसाइट्स ओपन किए, तो सब में एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि 21 जून को ही रिजल्ट जारी होगा। तो SSC GD कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2019 टू अनाउंस ऑन June 21 SSC.NIC.IN लेटेस्ट अपडेट्स हियर। तो गाइज, सबसे पहले चेक कर सकते हैं आप SSC.NIC.IN पे, लेकिन गाइज मैं ये बता दूं कि 21 जून को आएगा नहीं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, आगे की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 21 जून को रिजल्ट आने के चांसेस तो मेरे हमारे पास 90% हैं, लेकिन 21 जून के बाद आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। 21 जून के बाद आने के चांसेस हमारे पास 1% भी नहीं है, पहले आने के बहुत चांसेस है। तो गाइज, मैंने एक डेट दी थी कि आपका रिजल्ट जो है 18 तारीख के बीच आ जाएगा, तो 18 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली कि हाँ, हो सकता है कि आपको 18 जून को रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कई मतलब बहुत सारे वीडियो मतलब उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कई सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो कि जिस डेट को दिए गए थे उस डेट के पहले ही जारी कर दिए गए। तो गाइज, और वो कौन से रिजल्ट थे जो कि डेट चेंज की गई थी, जैसे कि आप 20 को आना था और उन्होंने क्या काम किया, डेट चेंज करके उन्होंने अगला जो है 25 कर दिया, लेकिन अब वो कब गया, 23 को ही आ गया। इसी तरह से जैसे GD में भी हुआ है, 31 को आना था, 21 जून हो गया, तो हो सकता है कि पहले आ जाए। फिलहाल 21 जून की तो कन्फर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, 100% वही होगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। और गाइज, आपको एक चीज़ और बता दें कि गाइज, जब 21 जून को रिजल्ट आएगा या फिर 18 जून को रिजल्ट आएगा, तो एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होने वाली है, कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो है आप लोगों का रिजल्ट चेक करना। और वो रिजल्ट आप कम से कम 2 या 3 दिन तक ही नहीं चेक कर पाएंगे, कम से कम आप 1 या 2 दिन तो नहीं चेक ही कर पाएंगे। पहले दिन तो आप चेक करना भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है वेबसाइट्स पे। तो आपको बता दें, जितनी भी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होंगी उन पर भी प्रेशर पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करना हो कि हमारा क्या रिजल्ट है, तो उसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है, मैंने एक सीरीज चलाने के लिए सोच रखा है कि हाँ, मेरा रिजल्ट सबसे पहले जारी हो, तो मैं एक उसी दिन जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसके अगले 5 मिनट बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसी दिन उससे इस वीडियो में आपको क्या होगा कि मैं एक लिंक दूंगा, ठीक है, मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्या होगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर अपना आपको क्या लिखना होगा, अपना नाम, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि मैंडेटरी है कि आपके पिता का नाम, ये मैंडेटरी आपको लिखना ही होगा। अगर आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करना है, मैं फिर सही से लिख दे रहा हूँ, नाम आपका, पिता का नाम, ठीक है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी पासवर्ड की, वो ये 4 चीजें आप लिख के मुझे वहां पे क्या करना है कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा मतलब वो रजिस्ट्रेशन वाला काम मेरा हो गया तो मैं वही रखूंगा, वादा कर कमेंट बॉक्स का भी रहेगा, जैसा कुछ होगा आपको उस रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। सो गाइस, उस दिन एक वीडियो आएगा, उसमें आपको क्या होगा कि एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाके आप इन चारों चीज़ों को सबमिट करेंगे, ठीक है। चारों चीज़ों को सबमिट करने के बाद में क्या होगा कि आप ये सबमिट जब कर देंगे तो आपको तुरंत ही आपको उसी जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में आपको क्या करना होगा, एक बार मतलब यस या नो का, यानी यस में आपको 1 और नो में आपको 2 लिख के भेजना होगा। तो 1 में आपको लिखना है यस, तो आपको ताकि ये मेरी सिक्योरिटी है, ताकि अगर कोई कल को क्लेम करे तो हम उसको बता सकें कि आपके पास जो मैसेज गया था उसमें ही आपने ये लिख के भेजा हुआ है कि हाँ, हम आपके जरिए ही रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका रिजल्ट क्या है, कितने नंबर हैं और कितने आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हुए हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कंफर्म कर दी जाएंगी। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है
कि प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल सब्सक्राइब करने में बेल आइकन दबा देना, तो आपको चीजें जल्दी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अगर आपको पहले दिन ही रिजल्ट चेक करना है अदरवाइज, तो सब लोगों की तरह आप तीसरे दिन या दूसरे दिन ही चेक कर सकते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है वेबसाइट पे, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे तो फॉर्म तो अप्लाई तक नहीं हो रहे थे गाइज, या तो रिजल्ट की बात है तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जिस दिन आंसर किया आई थी उस दिन तो खैर नहीं इतना क्रैश हुआ था, लेकिन दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ये सोचा हुआ है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने से आपके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं इस चैनल पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी फायदा नहीं वाला है, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, तो देख लेना आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।